मॉर्निंग बच्चों, स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 4 पार्ट है वॉल। तो बच्चों इसके तीन क्या फोर पार्ट हमने आगे पढ़ लिए थे, आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 64 से हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों उसके आगे हमने जो भी पढ़ा वो एक गेम थी, उसके बाद हमने पजल सॉल्व किए और उसके बाद हमने कितने पार्ट्स में कलर किया, इसी तरह डाइस एंड चेक वो भी क्वेश्चन सॉल्व किए और लास्ट में हमें सर्कल के कितने पार्ट्स में कलर है वो भी हमने चेक किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 64 पार्ट ऑफ द स्ट्रिप, यानी जो पार्ट्स की पट्टियाँ बनाई हुई है, स्ट्रिप मीन्स पट्टी, तो उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन है और जो हमें पूछे हैं तो हम उसका आंसर देंगे। तो पहला है बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इन इक्वल ग्रीन ट्रीज, यानी कि जो पिक्चर्स तुम्हें ड्रॉ करके दिया हुआ है उसे आपको देखना है। बच्चों इसी तरह का तुम्हें पिक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है। अब क्या आगे क्वेश्चन में क्या है, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इन ईच ग्रीन पीस, यानी कि ये जो लास्ट वाली पट्टी है बच्चों वो ग्रीन कलर की है, ये जो है ग्रीन कलर की, आपकी टेक्स्ट बुक में दिखती होगी। तो ये पूछ रहा कि उसका जो सभी पार्ट से वो कितना है, यानी कि ये पूरी जो ग्रीन कलर की पट्टी है उसके पार्ट से एक एक पार्ट यानी एक एक टुकड़ा वो कितना है। तो बच्चों ये हमने देखा कि पूरी पट्टी में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक पार्ट है, तो एक पीस कितने का होगा, यानी 1/8 का होगा। इसी तरह राइट द पार्ट फॉर द पीस ऑफ ईच कलर, इसी तरह सभी पट्टी के बारे में हमें लिखना है। तो ये जो सेकंड में है वो ब्लू है और ये सेकंड नंबर में है वो येलो है और सबसे ऊपर जो दी हुई है वो पिंक कलर की पट्टी है। तो पहले पिंक के बारे में लिखते हैं। तो बच्चों जो पिंक कलर की पट्टी है वो क्या है, वो तो 1/1 यानी एक ही है पूरा 1। और सेकंड नंबर की जो येलो कलर की पट्टी है वो क्या है, येलो में क्योंकि एक पट्टी के दो पार्ट्स बनाए मींस 1/2। अब थर्ड में जो ब्लू कलर की है उसको क्या कहेंगे, उसके इक्वल कितने पार्ट्स है ब्लू में, यस यानी उसके 4 पार्ट्स है, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 यानी एक पार्ट 1/4 यानी क्वार्टर पार्ट का है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 1/4 व्हील मेक दे, यानी कि हम 1/4 पार्ट को ऐसे कितने 1/4 पार्ट मिलाएंगे तब वो हाफ होगा, यानी 1/4 पार्ट ऐसे हम कितने 1/4 को एक साथ जमा कर दें तो वो हाफ होगा, हाफ मीन्स 1/2। तो वो लिखते हैं आंसर में, आपको ये सभी आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। 1/2 कंप्लीट होगा, जैसे कि 1/4 + 1/4 दो बार हो गया बच्चों, 1/4 दो बार, तो क्या होगा। तो बच्चों ये एडिशन है, उसमें तुम्हें क्या करना है, हमें पहले नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर देखना है। बच्चों डिनोमिनेटर यदि हमारा दोनों का सेम है तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे 4, और जो नॉमिनेटर है उसका है एडिशन 1+1 यानी 2 हो गया, तो अब क्या करेंगे 2 = 2 cross 2 यानी 2 × 4 तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 तो बनाएगा और यहाँ 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी 1/2 के लिए हमें 1/4 को दो बार मिलाना होगा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट है, हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4, 1/8 को हम कितनी बार मिला सकते, तो 1/4 हमें मिलेगा, तो कितना होगा बच्चों,
उसे भी फोर बार मिलाना होगा। जो इक्वल है या नहीं वो आपको बताना है।
तो कि अम्मी से हाफ ऑफ हाफ एंड वन थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर ऑफ इक्वल, वो बोलती है कि वन हाफ और वन थर्ड, सॉरी हाफ एंड हाफ यानी आधे का आधा यानी 1/2 और उसका भी हाफ यानी 1/4 दोनों इक्वल है और वन थर्ड और थ्री क्वार्टर यानी वन थर्ड भी वन थर्ड और थ्री क्वार्टर भी 3/4 ये सब इक्वल है या नहीं। तो डू यू एग्री हाउ विल शो इट, यानी कि ये सच है आप उसके साथ एग्री हो कि ये 1/2 हाफ और उसका भी हाफ ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, यस और नो? तो बच्चों ये दोनों तुम्हें इक्वल दिखते हैं? नहीं, क्योंकि वन हाफ मीन्स ये आधा हो गया और 1/4 मीन्स ये एक ही पार्ट। तो बच्चों ये हम उसके साथ एग्री नहीं है तो कि ये आंसर रहेगा नो। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 65। फ्रॉम द पार्ट ऑफ वॉल, यानी हमें क्या करना है, सभी आधे आधे पार्ट्स यानी कि पिक्चर ड्रॉ कर दिए पर आधे दिए तो हमें उसे कंप्लीट करना है। तो पहला है दिस शो वन ऑफ 5 पेटल प्लेस ऑफ अ फ्लावर, यानी एक फ्लावर का वन ऑफ 5 पार्ट्स तुम्हें ड्रॉ करके दिया हुआ है। कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग ऑन द अदर प्लांट प्लेट्स, यानी कि जो फ्लावर है उसके बाकी प्लेट्स तुम्हें ड्रॉ करनी है और फ्लावर को कंप्लीट करना है। बच्चों मैं तुम्हें ये बता दी यहाँ पर उसने कहा है कि वन ऑफ 5 प्लेट्स, यानी कि वन ऑफ 5 प्लेट्स तुम्हें दी हुई है, इसी तरह का एक दिया हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो पिक्चर्स है फ्लावर्स की उसे कंप्लीट करनी है। तो बच्चों कंप्लीट करने के लिए हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, कंप्लीटली वन होना चाहिए तो हमारी जो पैटर्न है वो कंप्लीट होगी। तो बच्चों यहाँ जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसके साथ ही हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी 5। तो क्या होगा बच्चों, ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ओनली 1 बचेगा। तो हमें कितनी प्लेट्स बनानी होगी, 5 प्लेट्स ही बनानी होगी। तो 1 ड्रॉप होंगे दी हुई है तो अब हम कितनी बनाएंगे, 4 प्लेट्स बनाएंगे और इसी तरह हमारा जो फ्लावर है वो कंप्लीट होगा। अब बच्चों नेक्स्ट द पिक्चर शो 1/3 ऑफ द बंडल ऑफ फन, यानी फैन के जो ब्लेड्स होती है ब्लेड्स यानी पंखियां उसका एक तुम्हें पिक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है 1/3 पार्ट्स यानी 1/3। तो अभी मैंने तुम्हें कहा कि हमें कितने ड्रॉ करने, वो कैसे पता चलेगा, जो डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से, क्योंकि ओनली 1 यानी एक बंडल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कंप्लीट द पिक्चर्स बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड्स, यानी हमें अदर ब्लेड्स ड्रॉ करनी है, एक ड्रॉ करके दी हुई है तो हमें एक ड्रॉ करके दी हुई है तो हम कितनी ड्रॉ करेंगे, तो ये पिक्चर्स कंप्लीट हुए तो एक 3 है उसमें से एक ड्रॉ करके दी हुई है तो हम बाकी 2 ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह अब लास्ट हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फ्लॉज आर शो है, यानी कि यहाँ पर हाफ तुम्हें ब्लेड्स ड्रॉ करके दी हुई है फैन की, हाफ मीन्स 1/2 तो कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ, हाउ मेनी ब्लेड हैव यू ड्रॉ, तो अब आप कितनी ब्लेड ड्रॉ करेंगे, 1/2 यानी आधा दिया हुआ है और आधा तुम्हें बनाना है, मीन्स उसने 2 ड्रॉ करके तुम्हें दी हुई है और तुम्हें वही फैन में 2 ब्लेड्स ड्रॉ करनी है। तो ये आपको पिक्चर्स आपकी टेक्स्ट बुक में सभी कंप्लीट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट रुपीज एंड पैसा, बच्चों आपने पैसे भी देखे होंगे और रुपीज भी, यानी हमें पता है कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा है। तो बच्चों यहाँ पर पैसे को लेकर कुछ क्वेश्चन है हम बोल सकते हैं। तो पहले हाउ मेनी 15 पैसा विल मेक 1 रुपी, बच्चों तुम्हें कॉइन बीच में दिया हुआ है वो 15 पैसा का है
देखा होगा 15 पैसा के, तो हम ऐसे 15 पैसे कितने कलेक्ट करेंगे तो हमारा 1 रुपीस कंप्लीट होगा। तो उसका आंसर आपको लिखना है, कितने होंगे बच्चों? हमने अभी भी देखा कि 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसा, तो यहाँ पर 15 पैसा दिया हुआ है तो कितने सिक्के हम लेंगे तो हमारा 1 रुपीस कंप्लीट होगा। ओके, हम 15 पैसे के 2 कॉइन लेंगे तब हमारा 1 रुपीस कंप्लीट होगा। 15 पैसा कॉइन में 1 रुपी कॉइन, क्या हुआ कि हम 2 पॉइंट्स देंगे 50 पैसे के तब हमारा 1 रुपीस कंप्लीट होगा। इसी तरह बच्चों आगे इस 15 पैसा हाफ ऑन 1 रुपीस, यानी जो 15 वहां पर ये पूछ रहा है कि जो 15 पैसा होता है वो 1 रुपीस का हाफ है, तो के यस हो गया है बच्चों 1 रुपीस का हाफ ही है। अब थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 1 रुपीस will make 10 rupees, 1 rupees के जो सिक्के होते हैं बच्चों coin, ऐसे हम कितने कलेक्ट करें तो 10 rupees हो सकते हैं। तो कितने कितने कलेक्ट करने होंगे हमें, 10 कलेक्ट करने होंगे, 10 1 rupees coin में 10 रुपीस। तो बच्चों क्या करेंगे आप, 1 रुपीस के 10 कॉइन इकट्ठे करेंगे तब हमारी 10 रुपीस कंप्लीट होगी। बच्चों इसी तरह नेक्स्ट, 1 रुपीस इज फिलिंग द लेस पार्ट ऑफ 10 रुपीस, 10 रुपीस का कौन सा पार्ट है 1 रुपीस, तो बच्चों ये हमें पता होना चाहिए कि 10 रुपीस का वन ऑफ पार्ट है, यानी 1 रुपीस इज वन ऑफ पार्ट ऑफ 10 रुपीस, 10 रुपीस का यानी 10 रुपए के एक ही भाग है 1 रुपीस। इसी तरह बच्चों आगे, हाउ मेनी 2 रुपीस विल मेक 10 रुपीस, 2 रुपीस के कॉइन है हमारे पास और हमें 10 रुपीस बनाना है, तो कितने कॉइन्स होंगे हमारे पास,
क्योंकि वन डे सी फील की वो एक दिन बीमार हुई। द डॉटर कॉल्ड द डॉक्टर, उसकी जो बेटियां थी उसने उन्हें क्या किया, डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर ट्राई हेल्प हिज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वुमेन, डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया बच्चों पर वो लेडी को बचा नहीं पाया, यानी वो मर गई। आफ्टर द हर डेथ द डॉटर रीड व्हाट शी हैड राइटिंग इन हर विल, यानी कि उसकी उसकी जो डेथ हो गई उसके बाद उसकी बेटियां जो थी उन्होंने क्या किया, उसने जो वसीयतनामा लिखा था, वसीयतनामा मीन्स विल, उन्होंने क्या किया वो वसीयतनामा लिखा था वो रीड किया। तो उसमें लिखा था माय एल्डेस्ट डॉटर विल गेट वन हाफ ऑफ माय कैमल, यानी मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है उसे मेरे कैमल में से वन हाफ हिस्से दे देना, यानी वन हाफ पार्ट उसे देना है। माय सेकंड डॉटर विल गेट वन बाय फोर्थ ऑफ माय कैमल, जो सेकंड डॉटर यानी दूसरे नंबर वाली लड़की है उसे वन फोर्थ पार्ट देना है। और थर्ड माय थर्ड डॉटर विल गेट वन फिफ्थ ऑफ माय कैमल, और जो मेरी थर्ड नंबर की डॉटर है उसे वन सभी कैमल में से वन फिफ्थ पार्ट उसे देना होगा। तो कि द डॉटर विल रियली पजल हाउ कैन आई गेट वन हाफ ऑफ 19 कैमल एज पर द ओल्डेस्ट डॉटर, बच्चों जो उसकी डॉटर थी वो सभी कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये जो क्वेश्चन ने पूछा है वो एक पजल टाइप है, यानी पजल्स के सिस्टम से, तो वो तीनों लड़कियां कंफ्यूज हो गई और उसने कहा कि 19 कैमल है उसमें से वन हाफ पार्ट में कैसे लूं, यानी वो बड़ी बोली कि 19 में से वन हाफ में कैसे लूं, यानी हाफ ऑफ 19 इज 9 1/2, यानी कि 19 में से मुझे वन हाफ लेना है तो कि 9 और वन हाफ कैमल लेने होंगे, यानी 9 कैमल कंप्लीट और 1/2 यानी आधा। तो उसने क्या कहा बट वी कैन नॉट कट द कैमल, पर कि ये कैमल को हम कट नहीं कर सकते। द सेकंड डॉटर से दूसरी लड़की ने कहा दैट इज राइट बट वन विल डू नाउ, उसने कहा ये सही है पर अब क्या करेंगे। आज के थर्ड डॉटर, उसकी जो थर्ड डॉटर थी वो उसने कहा कि ये बात तो सही कि हमें कट नहीं करना चाहिए कैमल को पर हम क्या करेंगे। तो कि जस्ट देन दे सेड दैट आंट कमिंग, तब उसने क्या देखा उसकी आंटी को आते हुए देखा। द डॉटर टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम, और तीनों बेटियां ने क्या किया उसकी चाची को जो उनकी प्रॉब्लम थी वो बताई। शो मी दैट व्हील आई हैव एन आईडिया, उसकी चाची ने कहा कि जो वसीयतनामा तुम्हारी मम्मी ने लिखा है यानी कि तुम्हारी माँ ने वो मुझे दिखाओ, आई हैव एन आईडिया और मैं सोचती हूँ। तो कि यू टेक माई कैमल, उसकी आंटी ने उसको सॉल्यूशन के लिए यानी ये सभी इजी बनाने के लिए क्या कहा कि ये जो मेरा कैमल है वो भी तुम रख लो। तो कि सो हैव 20 कैमल, तो बच्चों अब कितने कैमल हो गए, 90 तो थे उनके पास और उसकी आंटी ने भी उन्हें एक कैमल दे दिया, तब कितने हुए 20 कैमल हो गए। अब क्या हुआ आगे, नाउ कैन यू डिवाइड देन योर मदर्स वन डे थर आंट से, उसकी आंटी ने कहा कि तुमने मम्मी के जैसा कहा था इसी तरह अब तुम सब कैमल को डिवाइड कर दो। तो यू वांट हाफ ऑफ द कैमल डॉट यू टेक 10 कैमल सेल टू द ओल्डेस्ट डॉटर, तब उसकी जो बड़ी बेटी थी उसको क्या कहा था कि वन हाफ कैमल उसे चाहिए यानी वन हाफ बट किसमें से ये 20 में से, तो कितना होगा जो 10 टू जा 10 कैमल, तो ये 10 कैमल किसके पास में है जो बड़ी बेटी थी उसके पास। अब नेक्स्ट Take your share, the toy when the second daughter sees one fourth of the camel and God filling the next camel. So, बच्चों जो second daughter थी उसके पास में कितने थे 1/4, तो 20 से 1/4 यानी 4/5 यानी 4×20, तो बच्चों उसके पास में कितना है 5 camel, तो बच्चों ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी है एंड गॉड फिलिंग द ब्लैंक्स कैमल, तो उसमें क्या लिखेंगे 5 कैमल्स वो सेकंड डॉटर के पार्ट्स में आए। अब यू कैन टेक द 1/5 ऑफ द कैमल एंड आंट टोल्ड थर्ड डॉटर,
उसने जो थर्ड डॉटर थी उसे कहा कि वन फिफ्थ पार्ट तेरा था वो भी तुझे दे देना चाहिए, यानी वन फिफ्थ मल्टीप्लाई बाई 20। तो क्या होगा बच्चों, 4 फाइव बाई 20 मीन 4 क्या है। तो बच्चों जो बड़ी बेटी थी सबसे उसे 10 के बाद, सेकंड नंबर वाली थी उसे 5, और लास्ट में जो थी उसे 4 कैमल मिले। तो द डॉटर वेरी हैप्पी, सब जो बेटियां थी वो खुश हो गई। तो कलेक्टेड देयर कैमल, तो अब जो सभी कैमल है उसे हम कलेक्ट कर दे, पहले है 10, फिर है 5 और ये 4। तो बच्चों ये टोटल कितने हो गए, टोटल 19 कैमल हो गए। तब आगे नेक्स्ट पेज पे नंबर 67, द वन रिमेंबर माइंड। अब क्या करो बच्चों, जो आगे एक उसकी चाची ने दिया था कैमल, वो क्या हुआ, वो बच गए। तो उसकी आंटी ने सेव द आर्ट एंड लुक हाउ कैमल अवे, तो उसकी आंटी वो कैमल लेके निकल गई बच्चों। तो आपको ये पता चला बच्चों कि क्यों हमने इसमें एक कैमल ऐड किया, हाउ डिड दिस हैपन, डिस्कस ये सब कैसे खुश हो गई आपको डिस्कस करना है। तो बच्चों हमने एक कैमल क्यों ऐड किया, हमने इसलिए ऐड किया कि जो ये ओल्ड कैमल था बच्चों, तो हमें डिवाइडेशन में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए हमने उसमें एक ऐड किया, और अपनी जो पूरा एग्जांपल है वो हमने इजीली से सॉल्व किया। अब बच्चों नेक्स्ट अरुण टाइम टेबल, ये अरुण का एक टाइम टेबल है बच्चों, तो उसको आपको देखना है। बच्चों उसने 24 आवर्स का टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसमें तुमने नीचे दिखा हुआ कि स्लीपिंग 1/3 ऑफ डे, यानी डे का 1/3 पार्ट वो सोने में निकाल देता है, यानी 24 आवर्स होते हैं। तो बच्चों क्या होगा, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तब कितने आवर्स होंगे, उसने 8 आवर्स सोने में ही निकाल दिए। जो बच्चों 8 आवर्स है वो तुम्हें कलर से शेयर करके दिए हुए, वो तुम्हें पिंक कलर से शेयर करके दिए हुए, क्योंकि यूज डिफरेंट कलर टू शो, तुम्हें इसी तरह डिफरेंट कलर का यूज करके ये सभी जो 24 आवर्स है उसे कंप्लीट करने हैं। अब सेकंड में दिया है स्लीप 1/8 ऑफ अ डे, डे का 1/8% वो सोने में निकाल देता है, सॉरी प्ले खेलने में निकाल देता है 1/8%। तो बच्चों कितने हवर्स होंगे, हमें टोटल डे के 24 हवर्स है, इसलिए हम 24 का यूज कर रहे हैं। तो 1/8% वो खेलने में निकालता है, तब क्या होगा, क्योंकि 8 3 जा 24, तो कितने हवर्स होंगे, 3 हवर्स वो किसके लिए यूज करेगा, खेलने के लिए। तो बच्चों यहाँ से जो 3 आवर्स होते हैं, यानी 9 10 11, उस 3 आवर्स में तुम्हें, यानी कि 3 बॉक्स में कोई अदर ही कलर करना है, जैसे कि हम पिंक कलर का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टडी 1/4 ऑफ अ डे, डे का 1/4 पार्ट है वो स्टडी के लिए यूज करता है। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, 6 4 जा 24, तो बच्चों कितने पार्ट, यानी 6 आवर वो स्टडी के लिए यूज करता है। तो यहाँ से 6 आवर में 18 तक आएगा बच्चों, तब हम उसमें कौन से कलर का यूज करेंगे, ग्रीन कलर का। तुम्हें
कवर किया वो उसकी स्टडी के लिए था, तो उसमें उसने 6 hours निकाले। और लास्ट प्लेइंग फिलिंग द ब्लैंक्स आवर, खेलने के लिए उसने कितना टाइम स्पेंड किया, तो वो है 3 hours। अब बच्चों नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटीज। ये जो उसने सोने के लिए, खेलने और स्टडी के लिए टाइम निकाला, उसके अलावा कितना टाइम बचता है जिसको वो अदर एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते। तो बच्चों हम यहाँ से सीधे काउंट कर सकते हैं, क्यों, या तो फिर हम उसे तीन तीन एडिशन करके, जैसे कि 8 hours सोने के, फिर उसने 3 hours प्ले यानी खेलने के लिए यूज किए और 6 hours उसने यूज किए स्टडी के लिए, तो इन सबका हम एडिशन करेंगे कितना होगा, 6 + 3 यानी 9, 9 + 8 यानी 17 hours। तो बच्चों अब उसके पास अदर एक्टिविटी के लिए कितना टाइम है, तो 24 hours में से 17 hours सब्सटेंस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी 24 - 17, तो ये जो बचे hours होंगे वो किसमें यूज करेगा, अपनी अपनी अदर एक्टिविटी के लिए। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, जो बचे हैं वो अपनी अदर एक्टिविटी के लिए यूज करेगा। बीच में लड़का है, वन डे इन 24 hours देन हाउ विल आई फाइंड आउट 1/3 ऑफ द डे, यानी कि पूरे डे के 24 hours होते हैं और उसमें से 1/3 part मुझे यूज करना है, यानी कि मुझे दिन का 1/3 part काम में लगा दो, तो उसमें कितने घंटे होते हैं ये तो मैं फाइंड करने में 1/3 24, तो क्या होगा बच्चों, 8 + 24, सॉरी, तो कितने आवर्स हुए, 1/3 दिन का 1/3 part मीन्स कितने आवर्स हुए, 8 hours हो गए। तो बच्चों आज हम यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम उससे आगे लेंगे। थैंक यू।